लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। सियासी दल रणनीति बनाने में जुटे हुए। इसी सिलसिले में सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर बिहार पहुंचे। उत्तर प्रदेश की सियासत का रुख मोड़ने वाले ओपी राजभर अब बिहार की सियासत में चुनावी दांव आजमाने की घोषणा कर चुके हैं। दरअसल पटना में मंगलवार को ओपी राजभर ने गांधी मैदान में रैली कर प्रदेश की सियासत में कदम रख दिया है। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिससे बिहार में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। ओपी राजभर ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ समझौता हुआ है, वैसे ही बिहार में भी एनडीए कोटा से सीटों का बंटवारा होना चाहिए। तो इस उद्देश्य से आज हम बिहार के लोगों को यहाँ इकट्ठा किए थे। जो हमारे कटिहार के लोग हैं उनको पता नहीं कि पश्चिमी चंपारण में भी हमारी बिरादरी के लोग हैं। जो आपके मधेपुरा रहता है उसको इस बात की जानकारी नहीं। जो लोग कैमूर में रहते हैं, गया रहते हैं, नवादा रहते हैं, नालंदा रहते हैं, बेतिया रहते हैं, उन लोगों को पता नहीं। तो हम हर जिले से लोगों को जुटा करके लोगों को बताते हैं कि देखो आपकी इतनी बड़ी आबादी है, आप लोकतंत्र में सिस्टम है लड़ने का, तो उस लोकतंत्र में आप लड़ाई लड़ो। तो लोग तैयारी कर रहे हैं, आज आपके सामने देखने को मिला भी। आपने कहा कि बिहार में जब तक आप 8-10 एमएलए अपनी समाज के नहीं बना देंगे तब तक बिहार आते रहेंगे, तो क्या आगे बिहार को लेकर क्या रणनीति है आपकी? देखिए, हर जिले में हर विधानसभा में कार्यक्रम हम लोग चलाते रहेंगे और 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं बिहार में। लड़ेंगे आप? पार्टी लड़ेगी। हाँ, पार्टी लड़ेगी, निश्चित लड़ेगी और रिजल्ट देंगे। स्थिति यह है कि हमारी गिनती नहीं है, हम वोट देते देते थक गए और हमको हिस्सा नहीं मिला, जिसको लेकर के अब लोगों में गुस्सा है। आपने देखा कि नीतीश जी ने जातिवार जनगणना कराई, जातिवार जनगणना से 36% सर्वाधिक पिछड़ा आया ना, वो कौन लोग हैं? जो उपेक्षित लोग हैं। तो इनको लामबंद करके यही 36% इकट्ठा हो जाए, सरकार बन जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ओपी राजभर को मंत्री बनाने की चर्चा सुर्खियों में। हाल ही में उन्होंने दोबारा से एनडीए का दामन थामा है। गौरतलब है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव में दांव आजमाएगी। वहीं बिहार में सभी 40 सीटों पर उनकी पार्टी भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जो भाजपा की चिंता बढ़ा सकती है।